बेसिकली डिज़ाइन जो है टीरी से बिलोंग करता है, पर्टिकुलर टीरी का डिज़ाइन था जी। ये वाला डिज़ाइन जो है गढ़वाल का डिज़ाइन है सर, ये उत्तराखंड से रिलेटेड नथ है, लेकिन इसमें मोर का डिजाइनिंग भी साथ में अटैच किया गया है। इसको कहाँ बेसिकली क्या जाता है सर? इसको पोंची बोला जाता है, पोंची बोला जाता है। एल को सर बिल्कुल आप देख सकते हैं, अब इसी में थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर इसको रोज गोल्ड में बना दिया है, डायमंड इसमें भी लगा हुआ है, इसमें व्हाइट गोल्ड के साथ है, ये येलो गोल्ड के साथ है, सर्टिफाइड डायमंड के साथ है, और लार्ज क्वांटिटी और लार्ज नंबर पे हमारे पास इस तरह की डिजाइनिंग है, और सबकी बजट के अकॉर्डिंग, सबकी रेंज के अकॉर्डिंग, बिल्कुल यूनिक आइटम जो कहते हैं कि जो फिल्मों में दिखाते हैं कि ये हमारे राजा महाराजाओं के खाने में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ज्वेलरी परचेस करने के लिए आए, तो आपके पास किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? जैसे आप यहाँ पर कब से परचेसिंग करते हैं, कुछ मैं आपका रिव्यू लेना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत अच्छा है, हमारे एक पड़ोस के थे जी, वाइफ के पड़ोस के थे, इनको ट्रेडिशनल नथ जो होती है ना हमारी उत्तराखंड की, हाँ जी हाँ जी, वो हम देखते हैं तो हमें हर जगह डिजाइन नहीं मिल पाते, बिल्कुल, तो उनकी वो नथ पसंद आई तो उन्होंने हमारे को रेफरेंस दिया था इस दुकान का सरोजी नगर में। फिर हम आए तो हमने 2012 में हमने यहाँ से एक नथ खरीदी थी जी। फिर उसके बाद 2015 में फिर हम आए नथ लेने के लिए, और अगेन हम 2019 में हमने आसपास पूरी सर्च करी जी, हमें वो नथ नहीं मिली। तो फाइनली आज हम यहाँ पे आए और हमने एक नथ भी परचेज करी, हमें यहाँ पे डिजाइन बहुत अच्छे हैं और इतनी कलेक्शन मैंने इंडिया में नहीं देखी, मैंने कई दुकानों पे ट्रेडिशनल जो लुक आती है सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल जी, ये ट्रेडिशनल को ध्यान में रखते हुए ये बनाते हैं, इसीलिए हमारे को वन टाइम में यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाता है, और यहाँ के जो स्टाफ है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है जी, और उसको हमारी रेंज को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं है कि हम आ गए तो इनको हमें भैया कस्टमर आ गया तो इनकी जेब में से पैसा निकालना है, हाँ जी, ये हमारे यहाँ बजट पूछने के हिसाब से उसी बजट के अंदर हमारे को प्रोडक्ट दिखाता है, ये सबसे बड़ी खासियत है। बिल्कुल सर, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अर्बन हिल को और दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका अपने चैनल अरब मेल पर। आज मैं ज्योति दर्शनी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जो पड़ता है शॉप नंबर 102 मेट्रो स्टेशन सरोजनी नगर दिल्ली के अंदर। तो सर जैसे कि आपके पास स्पेशलिटी होती है जैसे उत्तराखंड स्टाइल होता है, वहाँ की जो ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी होती है, तो ऐसा मतलब कि आपके पास आर्टिफिशियल तो जाहिर सी बातें नहीं होती, कम्प्लीटली गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी में आप जी, तो किस तरीके मतलब कि आपकी जो स्पेशलिटी है सर, वो चीज़ अपने कुछ फोकस बताना चाहेंगे सर? एक्चुअली में क्या है ना सर, उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी ज्वेलरी है, हाँ जी, उसमें आप आर्टिकल मान लें जैसे नथ हो गया, हाँ जी, पोंची हो गई, हाँ जी, गुलाबंद हो गया, हाँ जी, टिमनी हो गई जी, वो सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, और उत्तराखंड से जो आप लोग गांव से लेते हैं उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी और बेस्ट क्वालिटी, और सभी चीज़ें BIS हॉलमार्क 916, उसमें सभी पांच निशान उसमें लगे हुए, BSI का, 916 का, 22 हमारी फर्म का नाम और हॉलमार्क सेंटर का नाम, पांचों चीज़ें लगी होती हैं, और वही देख के चीज़ लेनी चाहिए। आज के दौर में हॉलमार्क का दौर चल रहा है और हॉलमार्क ज्वेलरी ही लेनी चाहिए, एश्योरेंस होती है हर एक चीज़ की। यस सर, यस सर, क्योंकि उसको आफ्टर परचेजिंग के बाद ये एश्योरेंस रहती है कि मैं इसको कभी फ्यूचर में एक्सचेंज करूँगा तो मेरा कोई गोल्ड डिटेक्ट नहीं होगा, उसमें 100% एक्सचेंज होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो सर वही एक रिलायबिलिटी की बात होती है, क्योंकि एक मुहिम भी है कि जाओ ग्राहक जाओ, उसके अंदर क्या होता है कि आपको ज़्यादा बेटर है कि आपको हॉलमार्क चीज़ लेते हैं। गवर्नमेंट का मोटो भी यही था कि कस्टमर को किसी प्रकार का आफ्टर परचेज नुकसान ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सर आज जैसे बेसिकली किस चीज़ के कॉन्सेप्ट आप दिखाने वाले, किस तरह की वैराइटीज आप शोकेस करने वाले? आपके सामने ये नथ का कलेक्शन है, इसमें उत्तराखंड से रिलेट सारी उत्तराखंड बेस है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कुछ टीरी को बिलोंग करती हैं, कुछ कुमाऊँ को बिलोंग करती हैं, लेकिन बेस सबका उत्तराखंड ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि टीरी वाला टीरी लेगा और कुमाऊँ वाला कुमाऊँ की नथ लेगा, बेस सबका है उत्तराखंड ही है। जो डिज़ाइन जिसको पसंद है, मेरे पास हर डिज़ाइन की, हर वजन की, हर बजट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल सर। सर ये बेसिकली डिज़ाइन जो है टीरी से बिलोंग करता है, पर्टिकुलर टीरी के लोग इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बेस सबका उत्तराखंड है। बिल्कुल सर। ऐसा कुछ नहीं है कि टीरी के लोग टीरी वाली नथ पहनेंगे या कुमाऊँ की पहनेंगे, बेस उत्तराखंड है, जिसको जो डिज़ाइन पसंद आता है वो उसको पसंद करता है, और मेरे पास हर बजट की, हर वजन की डिज़ाइनर उपलब्ध है, जिसका जैसा बजट
30,000 की चाहिए तो 30,000 की भी चाहिए, 50,000 की चाहिए 50,000 की भी, और 1,00,000 की चाहिए तो 1,00,000 की भी। मतलब कि डायमंड्स अलग इसके अंदर, जैसे चाहे आप क्रेडिट हाँ, बना सकते। अपने बजट अपने डिजाइन के अनुसार हर चीज़ अवेलेबल है। ये मैंने आपको जो दिखाया था ये पर्टिकुलर टीरी का डिज़ाइन था, ये वाला डिज़ाइन जो है गढ़वाल का डिज़ाइन है। सब वही है कि यूनिकनेस है इसके अंदर डिजाइनिंग, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिशनल टच है इसके अंदर, और ट्रेडिशनल को भी हमने मॉडिफाई करके एक नया लुक भी दिया साथ में। कुछ लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि इसमें ऐसा नहीं लगाओ ऐसा नहीं, वो क्योंकि गांव से बनवाते हैं, लेकिन गांव में अभी भी उतनी मशीनरी वगैरह नहीं आई है ना, वहाँ पे अभी हॉलमार्क पहुँचा है, हमारी सारी चीज़ हॉलमार्क है, और पुराने लुक को एक नया मॉडिफाई भी दिया गया है, जिससे जब दुल्हन वगैरह साड़ी या लहंगा या और ज्वेलरी पहनती है तो इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन का जो है ना उसका एक एक्स्ट्रा लुक देता है उसको। इस चीज़ सर इसमें कुछ और वैराइटीज दिखा दीजिए। यस सर, आई शो जी सर, ये उत्तराखंड से रिलेटेड नथ है, लेकिन इसमें मोर का डिज़ाइनिंग भी साथ में अटैच किया गया है। आजकल ये बहुत फेमस हो रहा है, मोर का डिज़ाइन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जो कलरफुल काम है ना, ये उसकी गर्दन में ब्लू कलर का कलर वर्क है, और नीचे ये स्टोन का वर्क है, ये हमेशा जो नई दुल्हन वेडिंग जो होती है वो साड़ी सूट ज्वेलरी पहनती है, तो उससे बहुत कॉम्बिनेशन ये बहुत अच्छा सूट करता है, और स्टोन का वेट सबका लेस है, कोई इसमें गोल्ड में काउंट नहीं है, बिल्कुल दोनों नेट आप देखना चाहेंगे टैग के ऊपर भी ग्रॉस वेट और नेट वेट दोनों लिखे हुए हैं। जो इसके जो कारीगर होते हैं सर स्पेशली, बिल्कुल स्पेशली आप क्वालिफाइड, बिल्कुल 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 सर, पूरी दिल्ली में आपको कहीं इस तरह की नथ नहीं मिलेगी, हमारे पे कारीगर स्पेशल है, और हमारी फैक्ट्री में अपना ही बनाते हैं डिजाइन को, जो नए से नया डिजाइन आता है उसको बनाया जाता है, और पुराने डिजाइनों को भी मॉडिफाइड किया जाता है। ये टीरी का नथ का पैटर्न है जिस वन, ये आजकल के कुछ यंगस्टर होते हैं बिलोंग तो उत्तराखंड को करते हैं, लेकिन वो जो फिल्म देखते हैं मुझे वो हाँ लाइट वेटेड है, मुझे जोधा अकबर चाहिए या मुझे वैसी वाली चाहिए, तो उनके लिए भी हम ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को भी रखा जाता है हर चीज़ का। और स्टाइलिंग के अंदर लेकिन इसमें फीलिंग्स मतलब इसमें कलरफुल, इसमें कलरफुल है नहीं, अब जैसे हर आदमी की एज ग्रुप भी होता है, अब न्यूली वैल्यू है वो कलरफुल को पसंद करती हैं, अब वो 50 ईयर्स जो आती हैं वो कहते हैं हमें इतना कलरफुल नहीं चाहिए, बेस हमें उत्तराखंड का चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा इसका भी ध्यान रखा जाता है। मतलब सारी चीज़ जो बिल्कुल सर बिल्कुल सारी कॉम्बिनेशन बन जाती बिल्कुल चीज़ देखकर सर, इसको कहाँ बेसिकली क्या जाता है जो सर, इसको पोंची बोला जाता है, पोंची बोला जाता है, इसके अलावा दूसरी चीज़ में कड़े पहनने का फैशन है ना उत्तराखंड में, कड़े के रूप में ये पोंची का प्रचलन है, और ये सदियों से चला आ रहा है उनके यहाँ, और इसका ये सर वेलवेट इससे ना कंफर्टेबल रहता है हाथ में, और इसका ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसमें डिटेचबल है, इसमें थ्रेड है, इसमें कोई भी साइज जिसका हाथ छोटा बड़ा हो पहन सकता है, आपने एक जोड़ी ले ली आपकी मदर इन लॉ भी पहन सकती हैं और सिस्टर भी पहन सकती, कोई भी पहन सकता है साइज के अकॉर्डिंग। इसके अंदर देखेंगे तो नीचे वेलवेट लगी, हाँ जी वेलवेट इसलिए होता है कि हाथ में चुभता नहीं है, कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि ये सारे पीस होलो होते हैं, ये ठोस नहीं होते, क्योंकि ठोस बनाएंगे तो जोड़ी जो 4 तोले की है कम से कम 10 तोले की जोड़ी बनेगी, तो आजकल रेट के हिसाब से बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है और ट्रेडिशनल लुक भी देना पड़ता है उसमें। अभी जैसे आप जैसे पहले चलती थी प्रचलन में इस तरह की प्लेन वाली चलती थी, लेकिन उसी को मॉडिफाइड करके उसके एक ब्रेसलेट का भी लुक दिया हमने इसमें, और ये दो ऑप्शन में काम आती है, क्योंकि साइज़ का तो फायदा है ही है, लेकिन ये साइज़ इतना बड़ा है, आप इसे पौची के रूप में भी काम कर सकते हैं, इसे आप बाजू बंद के रूप में भी काम कर सकते हैं, एक पंथ दो का एक ही चीज़ में घर के सभी मेम्बर उसको यूज़ कर सकते हैं, और पोंची और बाजूबंद दोनों रूप में काम हो सकते हैं। ये गुलबंद आप बता रहे हैं, इसको गुलबंद कहते हैं, मतलब ट्रेडिशनली जिसे कहते हैं चीज़ें अलग और यूनिकनेस है इसके, बिल्कुल सर बिल्कुल, और डिजाइनिंग सर इसमें डिजाइनिंग बहुत सारी बहुत डिजाइनिंग है, बहुत नेकलेस के तौर पर बनाया था, हाँ जी हम जैसे और स्टेट में इसको नेकलेस मानते हैं, वो नेकलेस के रूप में ही वहाँ गुलबंद नेकलेस से पहले प्रेफरेंस इसको दिया जाता है, बिल्कुल सर, क्योंकि उसका ट्रेडिशनल लुक आता है, दिखा दिए किस तरह की लुक मैं सर दिखाता हूं, कहते हैं कि पैन कॉलर स्टाइलिंग है, बिल्कुल कॉलर टाइप बिल्कुल, और उसमें वेलवेट की फिनिश आती है, हां जी जी, उसमें गले में कंफर्टेबल रहता है, जितने चुभने लगे आजकल इसमें ईयरिंग्स भी साथ बनते हैं, लेकिन पहले प्रचलन सिर्फ गले के ही था जी। तो सर जैसे अभी तक आपने गुलबंद जब बताया था और चीज़ें दिखाई चीज़, तो जैसे कुछ अंगूठियाँ जिसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं, दिस विल बी कॉल्ड ए कॉकटेल रिंग्स, कॉकटेल रिंग एक बड़ी अंगूठी के रूप में, जिसे देसी भाषा में RCB पहले बोला जाता था, अब इसे कॉकटेल के नाम से जाना था, बहुत डिसेंट डिजाइनिंग के साथ है और रियल डायमंड के साथ है और सर्टिफाइड डायमंड के साथ है, इसमें पूरा सर्टिफिकेशन होगा IGI का सर्टिफिकेशन के साथ होगा इसका, मतलब बिल्कुल जो रियल डायमंड्स होते हैं सर, आपको स्पार्कलिंग तो अलग ही नजर आती है, बिल्कुल सर बिल्कुल आप देख सकते हैं
करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर इसको रोज गोल्ड में बना दिया है, डायमंड इसमें भी लगा हुआ है, इसमें वाइट गोल्ड के साथ है, ये येलो गोल्ड के साथ है, सब सर्टिफाइड डायमंड है। बिल्कुल सर, कस्टमर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। सर कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं जो आपके पास देखेंगे, तो कुछ आपके पास शॉप पे भी आना चाहेंगे, तो कुछ सर इनको स्पेशल डिस्काउंट से मिलने चाहिए ना आपके सर? बिल्कुल ऐसे है, एक्चुअली में हमारी खुद की अपनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए आप सभी जो भी कस्टमर हमारे पास आता है उसे लगभग लगभग क्या 100% होलसेल प्राइस पे ही दिया जाता है। अब वो कहीं भी कंपैरिजन किसी भी दूसरी शॉप से करेगा तो बहुत डिफरेंस उसको नजर आएगा। बिल्कुल, तो मतलब एक सारी चीज सर्टिफाइड होगी, इनके साथ होगा और सर्टिफाइड होगा। आपको स्पेशल मैं जो होलसेल प्राइस जो आप बता रहे हैं कि जो वो इसी वजह से, क्योंकि हमारी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, इसीलिए हम उसे होलसेल प्राइस पे बेचने का क्षमता रखते हैं। अगर हम बाजार से परचेज कर बेचेंगे तो होलसेल रेट पर नहीं दे पाते ना सर, क्योंकि जैसे आपकी शॉप से भी माल जाता है डिलीवर करते हैं, वो चीज़ों को देते हैं, तो वही चीज़ आपको होलसेल जो प्राइस होते हैं उसी चीज़ के तभी वो खुद ही एक बार आके जस्टिफाइड करेगा हमारी उसी चीज़ को, हमारे पर रेट देखेगा और दूसरी शॉप पर देखेगा, उसे बहुत बिग डिफरेंस नजर आएगा सर। ये डिजाइनिंग ब्रांडिंग है, इसके अंदर बॉक्स होगा ज्योति दर्शनी की ज्वेलर्स के नाम से जी, उसी में सर ये रियल डायमंड्स इसके अंदर, बिल्कुल रियल डायमंड्स है और बहुत सुपीरियर डिजाइनिंग के साथ, रियल डायमंड के साथ, सब सर्टिफाइड डायमंड के साथ हैं और लार्ज क्वांटिटी और लार्ज नंबर पे हमारे पास इस तरह की डिजाइनिंग है और सबकी बजट के अकॉर्डिंग, सबकी रेंज के अकॉर्डिंग। इसमें देखा जाए तो सभी तरह के इसमें डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जो गर्लिश लुक के भी तो थोड़े लाइट वेटेड होते हैं इसके अंदर कॉन्सेप्ट। नहीं एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा हैवी लुक भी देना चाहते हैं क्योंकि, तो उस हिसाब से भी है और गर्लिश लुक के हिसाब से भी है मेरे पास। अब इनकी डिजाइनिंग मैं अभी आपको और भी दिखाता हूँ, गर्लिश लुक वाले भी दिखाता हूँ आपको तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट, बहुत ही यूनिक सा इसका, यूनिक और साथ में गर्लिश लुक के साथ इसमें जैसे रोज गोल्ड का टच दिया गया है। ये बहुत फ्लेक्सिबल टाइप है, मतलब हर नेक के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, पतली नेक होगी तो उसको आप टाइट करेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा और बड़ी नेक होगी तो उसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। देखा जाए तो डिजाइनिंग भी देखिए तो शाइनिंग इसकी मतलब कुछ अलग सर, सबसे टॉप क्वालिटी का IGI सर्टिफिकेट के साथ, GH कलर, FG कलर, EF कलर, SI, IJ सब कलर के अकॉर्डिंग क्लैरिटी के हिसाब से हर चीज़ अवेलेबल है। प्राइस रेंज जो आपकी डायमंड्स की, जो कुछ कस्टमर को किस तरीके से परचेज करना चाहिए, कुछ उसके लिए आइडिया दे दें, अगर परचेज करना जैसे डायमंड चाहता है उसे क्या मापदंड होते हैं, किस तरीके से जेन्युइनिटी चेक करनी चाहिए, कुछ उस बारे में आप बताएंगे? हाँ सर बताऊँगा, सबसे पहले तो यही पूछना चाहिए कि आपका डायमंड सर्टिफाइड है या नहीं है, सबसे प्लस पॉइंट तो ये है उसका, क्योंकि वो तो गोल्ड तो उसमें 18 या 14 जो भी होगा BIS हॉलमार्क ही होगा नेचुरली, लेकिन उसमें जो डायमंड लगा हुआ है वो सर्टिफाइड है या नहीं है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है। और हमारे पास जो भी चीज़ है सब सर्टिफाइड है विद सर्टिफिकेट है, उसमें हर डायमंड में क्या कलर है, क्या क्लैरिटी है, क्या उसका वेट है, सब मेंशन है, हम उसको इनवॉइस देंगे प्लस सर्टिफिकेट देंगे। बिल्कुल सर, उसकी सेटिस्फेक्शन पूरा किया जाएगा। देखिए कोई डायमंड रिंग परचेस करना चाहता है, हर किसी का सपना होता है कि मैं हीरे की अंगूठी पहनूं, तो सर जो इनिशियल जो रेंज आती है जैसे स्टार्टिंग रेंज ले सकते हैं, तो किस रेंज में मतलब कि स्टार्टिंग रेंज आ जाती है? डायमंड की रिंग लगभग मान के चलें कि 7000 से मिनिमम स्टार्ट हो जाती है, ऊपर की आपकी रेंज की कोई जितनी भी चाहिए, डायमंड तो डायमंड जितने भी आप कॉस्टली ले सकते हैं उसके तो कोई इशू ही नहीं जी सर जी, तो मतलब कि स्टार्टिंग आप समझ सकते 7000 से मिनिमम 7000 से आप स्टार्टिंग मान के चलें, तो मतलब कि जिसके पास भी आप परचेस करें तो पहले उसके पास सर्टिफिकेट देंगे तो उसके नाम रजिस्टर्ड है या नहीं? बिल्कुल रजिस्टर, उसके पास BIS हॉलमार्क का लाइसेंस होना चाहिए, ही शुड बी वैलिड टू सेल आउट। डायमंड की बैंगल्स हैं, डायमंड बैंगल्स इसको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं वो लेटेस्ट और यूनिक कलेक्शन के साथ है, लेटेस्ट वैरायटी है, लेटेस्ट डिजाइनिंग है, और बिल्कुल सारे इसमें अलग अलग मिल जाएंगे, बिल्कुल अलग डिजाइन है। देखिए इसका थोड़ा ब्रॉडनेस के साथ है, ये थोड़ा इसकी विड्थ कम है, उसमें सारा डायमंड का वर्क है, इसमें डायमंड के साथ गोल्ड का भी लुक दिया गया है, कुछ लोग पसंद करते हैं कि टोटली डायमंड नहीं पसंद, थोड़ा सा गोल्ड का टच भी चाहिए तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। और एक आपको दिखाऊं, ये सबसे ट्रेडिशनल चीज़ है और इसका डिज़ाइन कभी आउट नहीं होता, ये सिंगल लाइन की डायमंड बैंगल्स कहलाती है, स्टेटेड सिंबल वाली बात है, जो ये पहनता है वो पता लगता है कि हाँ इसने डायमंड पहना हुआ, हाँ कुछ है, इसमें इसकी लुक ही आप चाहे ब्रॉडनेस इसकी ज़्यादा है लेकिन जो इसकी लुक है रिच प्रोफेशन जो इसका है, बाकी बजट के अकॉर्डिंग हर चीज़ है हमारे पास। क्वालिटी की तो कोई इशू ही नहीं है आपके पास, किसी भी एंगल किसी भी रेंज में आप आगे गोल्ड सारा BIS हॉलमार्क डायमंड ज्वेलरी सारी सर्टिफाइड। सर अभी भैया ब्रेसलेट्स दिखा रहे हैं इसके अंदर जी सर, वर्क की क्वालिटीज कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये तो आप देख रहे हैं सिंपल येलो गोल्ड के साथ डायमंड फिनिशिंग में है,
और ये आप ब्रासलेट जो देख रहे हैं ये रोज़ गोल्ड के टच के साथ है। रोज़ गोल्ड मीन्स इट इज़ द पार्ट ऑफ गोल्ड BIS हॉलमार्क, बट इस कलर वाइज इज मैरून शेड, दैट विल बी कॉल्ड रोज गोल्ड। तो सर इसमें जो फूल पत्ती हैं मैं बता रहा हूँ सर, अब इसमें इसका एक लुक अच्छा लगने के लिए साइड से इसको रोज गोल्ड का एक फ्लावर बनाया, उसके ऊपर ये डायमंड की सेटिंग उसको सॉल्टर लुक दे रहा है। ये इधर साइड में छोटे छोटे रोज गोल्ड के लीव्स दिखा के ऊपर इस पे डायमंड का लुक दिया गया जो उसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा रहा है। बिल्कुल सर, मतलब कि सर पहनने वाले भी हाँ जी सर, ब्रेसलेट तो पहनेगा लेकिन लुक भी उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगी सर। एंटीक गोल्ड जिसको कहते हैं सर इसके बारे में? जी सर, जी सर, इसको एंटीक लुक गोल्ड ज्वेलरी बोला जाता है। इसमें कुंदन वर्क के साथ भी है, कलर फ्रोस्टिंग के साथ भी है, ऑक्सीडाइज भी है। ट्रेडिशनल लुक कैसे ट्रेडिशनल और खानदानी जो ज्वेलरी बिल्कुल जैसे रजवाड़ों की होती है ना उस तरह से, मतलब वो चीज़ आप मान के चल सकते हैं। चीज़ें भी उस तरीके की हैं जो मैं समझता हूँ कि सर 90% या 99% लोगों के पास नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। ज्वेलर्स को आप जाएंगे तो उनके पास ये चीज़ें जो कलेक्शन है सर मैं समझता हूँ इजीली नहीं मिलेगी। इसकी जो स्टोन की डिजाइनिंग है साथ में एक कुंदन का वर्क है बहुत खूबसूरत शो करता है उसको। बिल्कुल सर, उसमें देखें तो डिजाइन और कॉन्सेप्ट सर बिल्कुल है सर, 916 हॉलमार्क गोल्ड में, लेकिन इसकी लुक बिल्कुल अलग है उससे सर, बिल्कुल यूनिक आइटम जो कहते हैं कि जो फिल्मों में दिखाते हैं कि ये हमारे राजा महाराजाओं के खाने। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और सबसे ज़्यादा कि फिलिंग्स देखेंगे स्टोन्स की से क्लियरेंस बहुत अच्छी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और कारीगरी देखिए सर उसमें, मतलब कितनी मेहनत से उसने बनाया गया इस चीज़ को। बिल्कुल एंटीक आइटम्स बिल्कुल इसके अंदर सर, डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर और भी बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको सर। एक बार विजिट करना है अगर आपको जो बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक चाहिए या जैसे कहते हैं कि उत्तराखंड स्टाइलिंग के अंदर या जो राजा महाराजाओं की जो कलेक्शन उसके हिसाब से चाहिए, तो डायमंड्स के अंदर चाहे आप गोल्ड में चाहे या एंटीक में चाहे या फिर आप रोज गोल्ड में किसी भी तरीके की ज्वेलरी होती है। बिल्कुल सर, वो उत्तराखंड की ज्वेलरी तो हमारी स्पेशलिटीज़ है ही है। बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा हर चीज़ में वैरायटी है, चाहे आप एंटीक वर्क में देखें, गोल्ड सेट देखें, आप डायमंड में देखें, आप किसी भी चीज़ में देखें। जैसे कि आपने हर तरीके ज्वेलरी दिखाई, डायमंड्स में भी, गोल्ड में भी, सभी तरीके की और यूनिक चीज़ें जो जनरली बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो सर बेसिक आपके पास जो कस्टमर आया तो उसको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं कुछ उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? सर हमारा सेलिंग का सबसे बड़ा थीम ये है कि कस्टमर चाहे एक रिंग लेने आए चाहे पूरा शादी का सामान लेने आए, हमारे लिए वो एक बराबर है, उसको सबसे बेस्ट से बेस्ट प्राइस लगेगा जी। तो एक बात दूसरा ऐसी नहीं है कि वो एक रिंग लेने आया तो उससे ज़्यादा प्राइस ले लो और शादी का सामान लेने आया तो उसको रीजनेबल, हमारे लिए 15 साल का बच्चा भी आएगा तो उसको भी मिनिमम रेट, मिनिमम प्राइस, बेस्ट क्वालिटी, हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी लेगा तो सर्टिफाइड डायमंड के साथ देंगे। बिल्कुल, कुल मिला के बात की जाए तो होलसेल प्राइसेस से मिलेगा, आप पूरी मार्केट भी सर्वे कर लें, आपको वो चार जगह बाजार में रेट पता कर लें, हर चीज़ का पता कर लें, गोल्ड रेट पता कर लें, क्वालिटी का पता कर लें। हमारा मेन जो मोटो है ना, हमारा जो मेन थीम है, दैट शुड बी कॉल्ड प्योरिटी इज अवर प्रायोरिटी। बिल्कुल सर, और हर चीज़ आपको सर्टिफाइड मिलेगी, उसके भी कस्टमर भी बहुत टेंशन लेने जरूरत नहीं है सर, क्या चीज़ मिलेगी तो आप आराम से रेट ट्राई करके बिल्कुल सर्टिफाइड तसल्ली करें हर जगह, उसके बाद हम पे गए आप कंपेरिजन करेंगे, आप प्लस में ही रहेंगे हमसे। बिल्कुल बेनिफिट ही रहेगा। पूछ रहे थे कि मतलब कस्टमर आएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन कैसे करेंगे जी? सबसे बड़ी बात मैंने आपको अभी पहले बताया प्योरिटी इज़ अवर प्रायोरिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी नंबर ऑफ कलेक्शन हर चीज़ में लार्ज क्वान्टिटी में अवेलेबल है और एक बहुत बड़े स्टॉकिस्ट हैं, चाहे गोल्ड ज्वेलरी ले लीजिए, आप डायमंड ज्वेलरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए मार्जिनल रेट पर और बहुत कम प्राइस में, कहीं भी आप ट्राई करके लेंगे हमारे रूम में आपको बिग डिफरेंस नजर आएगा। बिल्कुल सर, सर सबसे बड़ी जैसे आप बड़े स्टॉकिस्ट हैं तो आपके पास सब चीज़ रेडी मिलेगी। बिल्कुल रेडी, ऐसा नहीं होगा कि बस सैंपल दिखा दी कि अभी रेडी नहीं है, आप एक चीज़ मांगेंगे उसके 10 चीज़ हमारे पास उससे रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी। आपको ऐसा नहीं बनाएगा कि पसंद आ रहा लेकिन हम कोई ऑर्डर करें तब चीज़ मिलेगी, हमारे पास हर चीज़ लार्ज कलेक्शन में बिल्कुल रेडी अवेलेबल। हाँ जी, ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर आपकी चीज़ें देख के, और चीज़ मैं समझता हूँ कि जो कस्टमर देखेगा उसको भी एक अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि ज्वेलरी कैसे परचेज़ करनी है और कहाँ से परचेज़ करनी है और अपने बेस्ट प्राइस के अंदर सर होलसेल प्राइस के अंदर आपके बनेंगे।